सिर्फ एक मुक्तक और चार लाइनें, उनके बाद में अपना स्थान दूंगा। आप सभी को सादर नमन। लेकिन इस कार्यक्रम को देखते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि गर्व होता है जब हमें हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय सुरेश जी साहब, जिन्होंने हमारे कोटा का नाम भारत नहीं अभी तो पूरे विश्व भर में रोशन किया, और हम उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो अपने आप में एक गौरव की अनुभूति होती है। दूसरी मैं तारीफ करना चाहूंगा इतने अच्छे आयोजन, मेरे तीन भाई कुलदीप भैया, रूपेश भैया और आशीष भैया, बेजोड़ मेहनत के साथ इन्होंने कोटा में साहित्य को लगातार अनवरत जारी रखा। साहित्य चेतना होती है और चेतना जीवन का आधार बनती है। और तीसरा नमन मैं आप सभी को करना चाहूंगा कि आप सब अपना समय निकाल कर कविताओं को सुनने आए। यदि आप जिनको बाहर जाना है चले जाइए, 5 मिनट की 4 लाइन है कि कोरे मन को रखने वाले दूजों का मन क्या जाने, कोरे मन को रखने वाले दूजों का मन क्या जाने, जग के साधन ढोने वाले सुख का साधन क्या जाने, जग के साधन ढोने वाले सुख का साधन क्या जाने। और ये पंक्ति आपके लिए कि कोरे मन को रखने वाले दूजों का मन क्या जाने, जग के साधन ढोने वाले सुख का साधन क्या जाने। इस दुनिया में कोई पागल खुद को पागल कहता है, इस दुनिया में कोई पागल खुद को पागल कहता है, हमको पागल कहने वाले पागलपन को क्या जाने, पागल कहने वाले पागलपन को क्या जाने। अच्छा, प्रश्न और हल खड़े थे तुम्हारी तरफ, प्रश्न और हल खड़े थे तुम्हारी तरफ, आज और कल खड़े थे तुम्हारी तरफ, प्रश्न और हल खड़े थे तुम्हारी तरफ, आज और कल खड़े थे तुम्हारी तरफ, हम ठहर से गए फिर भी रुक ना सके, हम ठहर से गए फिर भी रुक ना सके, रास्ते चल पड़े थे तुम्हारी तरफ, आग वापस से पानी पे आ जाए तो, आग वापस से पानी पे आ जाए तो, एक दरिया रवानी पे आ जाए तो। अगर आपको अच्छी लग रही है, आग वापस से पानी पे आ जाए तो, एक दरिया रवानी पे आ जाए तो, नाम जितने हैं गुमनाम हो जाएंगे, नाम जितने हैं गुमनाम हो जाएंगे, हम हमारी कहानी पे आ जाए कि कैसे कैसे मुकाम आएंगे। मैं जो भी सीखा जीवन में इसी साहित्य से सीखा, इसलिए साहित्य को जितनी बार नमन किया जाए मेरे जीवन के लिए कम होगा। कि कैसे कैसे कि कैसे कैसे मुकाम आएंगे, कैसे कैसे मुकाम आएंगे, याद किससे तमाम आएंगे, याद किससे तमाम आएंगे, पूजना आंसुओं को मीरा सा, पूजना आंसुओं को मीरा सा,
देखना तेरे श्याम आए हैं। Yeah.